الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। इख़लास के मौजू पे आज दूसरी नशिस्त में आपका इस्तकबाल है। इंशाअल्लाह आज हम इखलास का हुक्म के बारे में जानेंगे। अल्लाह सुबहान व तआला ने इखलास के बारे में हमें कई कुरान की आयात के बताया है, जैसे कि सूरह बय्यिना की आयत नंबर 5 में हमने पहले भी देखा था कि अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते हैं, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा, और उन्हें इसके सिवा हुक्म नहीं दिया गया कि वो अल्लाह की इबादत करें इस हाल में कि इसके लिए दीन को खालिस करने वाले हों। सुबहानअल्लाह, आप देखिए कि इबादत के साथ इखलास का जो जोड़ है वो पहले ही हमें बहुत यानी डेप्थ के साथ बताया गया है, और अंबिया इकराम को इस हुक्म के साथ भेजा गया कि इबादत के साथ इखलास का होना ज़रूरी है। उसी तरह आप देखेंगे सूरह ज़ुमर की आयत 3 में अल्लाह सुबहान व तआला हमें फिर से बताते हैं, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, खबरदार खालिस दीन सिर्फ अल्लाह ही का हक है। फिर सूरह अनआम की आयत नंबर 162 और 163 में अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते हैं, और इस आयत को कई बार हमने मसाजिद पे लिखा हुआ देखा होगा, और कई बार जब कुर्बानी की बात होती है तो बताया जाता है, ये आयत है, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين। कह दे बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत और अल्लाह के लिए है, जो जहानों का रब है इसका कोई शरीक नहीं, और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है और मैं हुक्म मानने वालों में सबसे पहला हूँ। सुबहानअल्लाह, आप देखिए कि यहाँ पर हमें यह हुक्म दिया गया कि कह दो, यानी अल्लाह सुबहान व तआला ने अपने नबी पर जब आयतें नाजिल की तो ये हुक्म के साथ कि भाई नमाज और हमारी कुर्बानियाँ, हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत सारी किसके लिए है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, और फिर हम इसके अंदर किसी को शरीक नहीं ठहराते, और इसी के साथ हम क्या है यानी इसके ऊपर हम क्या है जमे हुए हैं, और फिर हम मुसलमानों में से हैं। यानी कि एक मुसलमान की निशानी ये होती है कि वो जो कुछ करे वो इखलास के साथ करे और सिर्फ अल्लाह के लिए करे। इस तरीके से हम आगे देखेंगे सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 में भी यही बात को दोहराया गया, एक अलग अंदाज में देखिए आप, जो कि इस आयत को भी हम कई बार सुनते हैं पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफूर, वो जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आज़माए कि तुम में से कौन अमल में ज़्यादा अच्छा है, और वही सबसे ग़ालिब बेहद बख्शने वाला है। यानी इस दुनिया में हम आए भी हैं और हमारी ज़िंदगी का बनने का भी मकसद यही था कि हम में से बेहतर कौन है अमल में। तो इस आयत की तफसीर में यानी कि अहसन अमला की जो लफ्ज़ है इसकी तफसीर में तबई फुदैल बिन इयाद कहते हैं कि वो अमल जो इखलास यानी रियाकारी से पाक हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर किया जाए। यानी अहसन अमल कौन सा है? अहसन अमला की तफसीर उन्होंने की कि वो अमल जो रियाकारी से पाक हो, यानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया गया हो, ना किसी को दिखाने के लिए, ना किसी से कोई फ़ायदा हासिल करने के लिए, बल्कि हमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर किया हो, तो इसको अहसन अमल कहते हैं। और फिर उन्होंने इस आयत को पढ़ा जो सूरह कहफ की आयत नंबर 110 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, पस जो शख्स अपने रब के मुलाकात की उम्मीद रखता हो तो लाजिम है कि वो अमल करे नेक अमल और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना बनाए।
यानी कि जो चाहता है कि वो अपने रब से मिले तो उसको चाहिए कि वो क्या करे, कि जो भी अमल करे तो उसमें किसी को शरीक ना ठहराए बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए करे। यानी अहसन अमल करना है, अहसन अमल क्या है, जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए और जो रियाकारी से पाक हो और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर किया जाए। तो हमें ये पता चल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमारी इबादत को, हमारे आमाल को, यानी उसके साथ इखलास को इतना जोड़ दिया है, यानी जैसे कि उसका एक लाजिम हिस्सा है। जैसे हमारा जिस्म है और रूह है, बग़ैर रूह के जिस्म का कोई फ़ायदा नहीं, उसी तरह ये हमें बताया जा रहा है, ये हमें सीख दी जा रही कि आप जो भी काम करें उसके अंदर इखलास पैदा। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह निसा की आयत नंबर 125 में फरमाया, वमन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लमा वजहहू लिल्लाहि वहुवा मुहसिन, और दीन के लिहाज से इससे बेहतर कौन है जिसने अपना चेहरा अल्लाह के लिए ताबिअ कर दिया जबकि वो नेकी करने वाला हो। इस आयत से हमें ये पता चल रहा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि वो इंसान बेहतरीन है जो अमल करता है तो सिर्फ अल्लाह के लिए करता है, नेक अमल करता है और अल्लाह के लिए करता है। तो हमें भी यही सीख दी जा रही है कि हम जब भी कोई अमल करें तो अल्लाह ही के लिए करें और फिर हम उनमें से बन जाएंगे जो मुहसिन हैं, जो बेहतरीन हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह कहफ की आयत नंबर 28 में फरमाते हैं, वस्बिर नफ्सक मअ अल्लज़ीना यदउना रब्बहुम बिलगदाति वलअशी युरीदून वजहह, और अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रख जो अपने रब को पहले और पिछले पहर पुकारते हैं इसका चेहरा चाहते हुए। यानी हुक्म दिया जा रहा कि आप सब्र के साथ, आप उन लोगों के साथ रहिए जो लोग अल्लाह सुब्हानहु व तआला को सुबह और शाम पुकारते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, और उनकी उम्मीद सिर्फ़ क्या होती है कि वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की खुशनुदी के लिए करें, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का चेहरा हासिल करने के लिए करें। तो यहाँ पर हमें यही पता चल रहा कि जब भी आप अमल करें, जो भी आप नेक अमल करें, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए करें और किसी को दिखाने के लिए ना करें। तो इसी के साथ आज हमको ये पता चला कि इन सारी आयतें जो हमने आज बयान की हैं, इससे ये सीख मिल रही है, एक दर्स हमें ये मिल रहा है कि ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हुक्म है कि जब भी हम अमल करें तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए करें। इखलास की यही जो है असल है कि हम कुरान मजीद की इन आयात से ये सबक हासिल करें कि हम जब भी अमल करें तो अल्लाह ही के लिए करें और इसी के साथ हमारी फलाह है। और आगे भी हम ऐसे ही मौजूआत के ऊपर बात करेंगे और इखलास के मौजू पर और भी मौजूआत बाकी हैं, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।